हाय गाइस नमस्ते, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पोको X3 के साथ जो Redmi नोट 10 प्रो एंड 10 प्रो मैक्स है दोस्तों, उसका एक कंपैरिजन हम करने वाले हैं। एंड मेरे पास है दोस्तों पोको X3, मेरे पास दोस्तों Redmi नोट 10 प्रो और 10 प्रो मैक्स नहीं है, बट यहाँ पर पोको X3 के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है सेम प्रोसेसर हमें Redmi नोट 10 प्रो एंड 10 प्रो मैक्स के अंदर देखने को मिलता है। एंड स्नैपड्रैगन का 732G लगा हुआ है दोनों ही, एक्चुअली तीनों ही फोन के अंदर। एंड ओवरऑल क्या क्या एक्सपीरियंस है मेरा दोस्तों स्नैपड्रैगन 732G का, एज वेल दोस्तों क्या क्या चेंजेस है दोस्तों Redmi नोट 10 प्रो 10 प्रो मैक्स के अंदर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर Redmi नोट 10 प्रो एंड 10 प्रो मैक्स के बारे में। सो यहाँ पर दोस्तों जो Redmi नोट 10 प्रो है उसके अंदर 64 MP देखने को मिलता है कैमरा, एंड 10 प्रो मैक्स के अंदर देखने को मिलता है 108 MP की कैमरा। पोको X3 के अंदर भी दोस्तों 64 MP ही कैमरा देखने को मिल जाती है। एक अच्छी बात है दोस्तों पोको X3 के अंदर हमें दोस्तों जो कैमरा देखने को मिलता है उसके अंदर वाइड एंगल लेंस जो है वो 13 MP का है। सो यहाँ पर हमें 13 MP का जो वाइड एंगल लेंस है देखने को मिलता है। इन द अदर हैंड दोस्तों हमारे पास जो अपना Redmi नोट 10 प्रो एंड 10 प्रो मैक्स है उसके अंदर दोस्तों हमें सिर्फ 8 MP ही वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। सो पोको X3 के अंदर 13 MP कैमरा है तो आपको थोड़ा सा अच्छा शायद अल्ट्रा वाइड लेंस के अंदर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। और एक बात है दोस्तों यहाँ पर हमें जो Redmi नोट 10 प्रो एंड 10 प्रो मैक्स है उसके अंदर हमें 5 MP की 2x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाती है, बट पोको X3 के अंदर कोई भी ऑप्टिकल जूम तो नहीं है। सो कैमरा के अंदर दोस्तों मेरी सबसे ऑफकोर्स मेन कैमरा जो है 108 MP को ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू 64 MP, बट डेफिनेटली वाइट एंगल कैमरा जो है पोको X3 का शायद ज़्यादा अच्छा है क्योंकि 13 MP का है। और एक बात मैंने नोटिस किया है दोस्तों जो बैटरी है वो भी पोको X3 के अंदर ज़्यादा है। पोको X3 के अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है, Redmi नोट 10 प्रो 10 प्रो मैक्स के अंदर है वो हमें यहाँ पर 5020 mAh की बैटरी है। सो बैटरी के अंदर भी पोको X3 के अंदर ज़्यादा है। एंड MIUI की अगर बात करूँ, MIUI 12 जो है एंड्रॉइड 11 के साथ Redmi Note 10 Pro Max के अंदर देखने को मिल जाती है, मतलब Redmi के फोन के अंदर MIUI 12 का Android 11 वर्जन देखने को मिलता है, बट जो अपना Poco X3 है उसके अंदर अभी भी दोस्तों जो Android 10 है उसके अंदर रनिंग कर रहा है MIUI 12 के साथ। सो एज फॉर नाउ Poco X3 के अंदर Android 11 का MIUI 12 का अपडेट देखने को नहीं मिला है। एंड अगर बात करूँ वेट की, जो अपना Poco X3 है वो दोस्तों 225 ग्राम का है जो कि थोड़ा सा हैवी है, बट अपना जो 10 प्रो एंड 10 प्रो मैक्स जो है वो अपना 192 ग्राम्स का है, तो वहाँ पर एक अच्छी बात है क्योंकि बैटरी कम है इसलिए जो वेट है वेट भी कम हमें देखने को मिलता है। अगर बात करूँ डिस्प्ले की, तो अपना जो पोको X3 है उसके अंदर दोस्तों लगाया गया है 120Hz का डिस्प्ले जो कि एक LCD पैनल हमें यूज़ किया गया है पोको X3 के अंदर, बट Redmi नोट 10 प्रो एंड 10 प्रो मैक्स के अंदर आपको सुपर एमोलेड देखने को मिलता है जो कि 120Hz को सपोर्ट करती है, फुल HD की डिस्प्ले है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड डिस्प्ले के अंदर अगेन जो 10 प्रो मैक्स है वो ज़्यादा अच्छा है। अगर बात करो दोस्तों अपना फ्रंट कैमरा, सो अपना जो फ्रंट कैमरा है पोको X3 के अंदर उसके अंदर है 20 MP की फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है पोको X3 के अंदर, बट जो अपना Redmi नोट 10 प्रो एंड मैक्स है उसके अंदर है 16 MP की कैमरा। सो उसके हिसाब से दोस्तों मेरी सबसे कैमरा जो है वो पोको X3 के अंदर ज़्यादा अच्छा होने वाला है। पोको X3 के अंदर जो कैमरा है थोड़ा बहुत दोस्तों वाइट हमें देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नाउ दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। अभी फिलहाल जो पोको X3 है वो इसका 6GB 64GB का वेरिएंट जो है आपको 17,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करूँ Redmi नोट 10 प्रो की तो आपको 6GB 64GB देखने को मिलेगा 16,000 रुपीज के आसपास। एंड Redmi नोट 10 प्रो मैक्स का है जो है आपको 18,999 के आसपास देखने को मिलेगा। सो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे तो जो Redmi नोट 10 प्रो मैक्स है वो थोड़ा सा ओवर प्राइस मुझे लगा है। ऑफकोर्स आपको 108 MP की कैमरा देखने को मिलता है, बट जो Redmi नोट 10 प्रो मैक्स है वो थोड़ा सा ओवर प्राइस है मेरे हिसाब से। 732G का जो प्राइस होना चाहिए दोस्तों, एंड जो एक्स्ट्रा आपको वैल्यू ऑफ मनी देखने को मिलता है वो दोस्तों अपना Redmi नोट 10 प्रो। सो मेरे हिसाब से अगर आप पोको X3 Redmi नोट 10 प्रो 10 प्रो मैक्स के अंदर कन्फ्यूज हो तो सिंपली आप Redmi नोट 10 प्रो को खरीद लो, आपको उसके अंदर ज़्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलेगा। और एक बात है आपको 6GB 128GB वेरियंट ही खरीदना चाहिए, 6GB 64GB को मत खरीदना। जो स्टोरेज है काफ़ी वैल्यू ऐड करती है, स्टोरेज अगर आपका ज़्यादा है तो आपको जो एप्लीकेशन है जल्दी से ओपन होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। एंड ओवरऑल पोको X3 जो है वो अभी 2021 के अंदर खरीदने का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है Redmi नोट 10 प्रो मैक्स के अंदर एंड एंड्रॉइड 11 भी है जो काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी आपकी मर्जी है भाई साहब आप कहाँ पर खरीदना चाहते हो, बट एज फॉर नाउ पोको X3 मत खरीदो, जो Redmi नोट 10 प्रो है उसे खरीद लो, उसके अंदर ज़्यादा वैल्यू मनी देखने को मिलेगा। एंड Redmi नोट 10 प्रो मैक्स जो है दोस्तों थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा है मुझे। बाकी आपका क्या थॉट्स है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। एंड इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना, ओके।